वाइड एंगल जो कैमरा इस समय मेरे हाथ में है, इससे जो है शूट करने में मजा आता है, बड़ा बड़ा दिखता है, काफी चीजें विजिबल होती हैं, जैसे मेरे बगल में 7 कार लॉन्च करके एक कार्स का शोरूम है जहाँ पे महंगी महंगी कारें सेल होने के लिए आती हैं, अप मोस्ट ब्रांड, मतलब छोटी सस्ती वाली नहीं कि सेंट्रो आ गई और ये वो, सब बड़ी मर्सिडीज BMW इस तरह की कारें आती हैं सेल होने के लिए, सेल एंड परचेज का काम होता है यहाँ पे। तो अब मैं पहुंचने वाला हूँ RTO ऑफिस और थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे कैमरा पकड़ के गाड़ी चलाने में, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत मजे में हूं आज, क्योंकि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। आप लोगों से जब भी बातें होती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ के कुछ चौराहे अभी भी ऐसे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट्स का पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। एक चौराहा तो ऐसा है जहां पे मुझसे ही, क्योंकि उस चौराहे से अक्सर मैं क्रॉस होता हूं और मैं देखता हूं कि उस चौराहे पे लाइट जो है वो विजिबल नहीं है, बहुत ही छुपी हुई जगह पे लगी हुई है, तो उस पर नजर ही नहीं पड़ती और आगे बढ़ चुके होते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं तब उस पर नजर जाती है। चलिए आपसे मिलते हैं हम ब्रिकफील्ड पहुंच के, क्योंकि अभी हो रही है दिक्कत ड्राइव करने में कैमरा पकड़ के। तो मुझे कुछ आप लोगों से अपना कुछ एक ऐसी बात डिस्कस करनी थी कि मैं जो हूँ अक्सर आप लोगों को बियर्ड में ही दिखता हूँ, क्योंकि पिछले 12 सालों से जो है मैं एवरीडे शेव करता था, चाहे कुछ हो जाए एवरीडे शेव होती थी, चाहे थोड़ी सी भी हो चाहे ज्यादा हो, एक रूल बन गया था, एक रूटीन बन गया था कि एवरीडे शेव करके ही जाना है। और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ घर पे ही रहने लगे और एक आलस सा चढ़ गया कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है कि क्या करना है यार शेव करके, तो जो है अच्छा बियर्ड बढ़ रही है, चौथे पांचवे दिन हल्का सा कट कर दो तो जो है सही लगने लगती है, साफ सुथरी, तो एक लगने लगा कि टाइम वेस्ट होता है यार बियर्ड को क्लियर करने में, और कोई खराब लुक भी नहीं आता ऐसा कि जो है बियर्ड है तो कोई खराब लुक आ रहा है, तो ये एक बड़ा रीजन था मेरा। सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि टाइम बहुत बचता है भाई, नहीं तो 20-25 मिनट तो जरूर जाते हैं 20 मिनट के आसपास अननेसेसरी। और दूसरा, शेव करो रोज ब्लेड से तो जो है एक हल्की सी जलन सी होती है, आप साफ सुथरे लगते हो ठीक है बट एक जलन सी होती है ब्लेड लगाने के बाद, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि यार रोज नहीं भी, हफ्ते 10 दिन में एक बार अगर आप कर देते हो तो ठीक है, बाकी नहीं तो बियर्ड ट्रिम कर लो, बहुत इजी लगता है ट्रिम कर लो, फटाक से ट्रिम हो जाती है, तीसरे चौथे दिन ट्रिम कर लेते हैं और हल्का हल्का बना लेते हैं तो एकदम आराम से हो जाता है यार, बहुत टाइम बचता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल है और इसके ठीक सामने जो है रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है, साइड में कीचड़ हो गया है उसको हटा के बजरी डाली जा रही है। आप सभी लोगों को मुझे बहुत बहुत थैंक्स कहना था कि आप लोग इतने दिनों से मेरा ब्लॉग्स देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हो, बहुत सारी गलतियां मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी कमियां है मेरी, है साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अप डाउन है, अब मैंने इम्प्रूव कर ली है हालांकि, और मैं रोज ग्रो कर रहा हूँ, आप लोग नोटिस कर रहे होगे मेरे अंदर जो है क्वालिटीज इम्प्रूव हो रही है डे बाय डे। इसको बनाने में आपको मैं बताऊं कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा, एवरेज 5 घंटा लगता है एडिटिंग पार्ट में, बाकी शूटिंग तो होती रहती है चलते फिरते, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि अरे ये ले लो पार्ट को एडिट, ये पार्ट को शूट कर लो और ये शूट कर लो, कई बार तो ये भी होता है कि कुछ रिलेटिव्स कहते हैं अभी क्या कर रहा है, कुछ दोस्त कहते हैं अबे मन्नी अच्छा नहीं लग रहा बे, कभी कुछ प्रोत्साहन कम मिलता है, देखिए कोई भी आप नई चीज करोगे ना तो प्रोत्साहन थोड़ा सा कम मिलता है, और थोड़ा सा इस तरह की चीज आउट ऑफ द स्टीम, और जिस एज ग्रुप में मैं हूँ
तो लोगों को लगता है अबे यार मनीष तुम बच्चों वाले काम कर रहे हो ये वो। तो खैर मैं तो यार लगा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है और मैं इसको जो है हॉबी की तरह लेके चल रहा हूँ। मुझे मजा आ रहा है, कुछ नया मैं सीख रहा हूँ रोज डे बाय डे। मैं कुछ कभी सिनेमेटिक्स चूज करता हूँ, कभी कुछ देखता हूँ, कभी इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। तो मुझे तो मजा आ रहा है यार करने में, आई एम एंजॉयिंग इट। बहुत ही प्यारा मौसम है बाहर, एकदम धूप नहीं है और मौसम अच्छा बना हुआ है। तो हमारे ब्रिकफील्ड के एकदम पास में ये छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है, ये मंदिर पड़ता है, अच्छा इस गांव का नाम पड़ता है सिकंदरपुर बंत्रा। इसी से थोड़ा आगे जब आप सीधे चलते हो तो एक नहर है, सूखी नहर है वो, उसी के राइट, उसी से राइट टर्न होते हैं, ये मार्केट है, इसी से सटी हुई नहर पड़ती है, नहर के बगल में टर्न करना है राइट, स्पॉट ऑन करके एक जो है एसएस लॉन है यहाँ पे, एसएस लॉन, और ये हम टर्न कर जाते हैं सामने सीधे चले चलेंगे तो आपको मुक्ता भट्टा दिख जाएगा, वो रहा वहां पे। फील्ड पे हम आ गए भाई, और ये मुंशी जी आ गए ईंटें हटाते हुए क्योंकि यहाँ पे पानी खूब पड़ा है लग रहा है, कल लग रहा है अधे अधे ज्यादा है इस तरफ, इस वजह से लोग लग के हटा रहे हैं ताकि गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। तालाब बन गया चारों तरफ, पूरा याली जगह तो भर गई अच्छे से। नीटू भैया क्या नहीं गया ईटा भी? अभी नहीं भैया गया, वो पुराना नया तो कल भी गया है। हर बार पूछ लिया करो उनसे, नहीं तो सुबह से अभी तक 8-9 घंटे हो गए। तो अभी हमने देखा लकड़ी गोदाम में जो है दीवाल गिर गई है किनारे की तरफ थोड़ी सी, अब रात में चोरों को मैं बोल रहा हूँ आओ और लकड़ी उठा लो भैया दीवाल टूट गई है। मगर ये वीडियो जो है जब तक अपलोड होगा तब तक जो है बन चुका होगा, तो ये चट्टा चल रहा है इस समय बढ़िया। लाला ईटा तो फर्स्ट क्लास है, ईटा सही है यार एकदम, पथाई वगैरह हर चीज। पीली का चट्टा खत्म हो रहा है तेजी से, साथ में लाल पेटी, उधर वाली लाल पेटी खत्म ही हो गई। आज तो 40 मिनट पूरे करने में काफी मेहनत लग गई, काफी ह्यूमिडिटी है, हवा एकदम नहीं चल रही, अभी 5 मिनट बारिश भी हो गई थी जिसकी वजह से जो है बहुत ह्यूमिड, एकदम फ्लोर पूरा भभक छोड़ने लगा। तो भाई आज थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ गई काफी, टाइम भी 43 मिनट्स हो गए, 40 मिनट्स तो कर ही लिए भाई 3 किलोमीटर के अराउंड। चलो ग्रेट सक्सेस।